हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं और ऐसी ही उम्मीद हम आप लोगों के लिए भी करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज अपना व्लॉग शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे पिछला व्लॉग नहीं देखा है ऑन विनीताज डायरी, तो प्लीज़ जाके उसे देखें, उसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें। मैं अभी शुरू कर रही हूँ वीडियो व्लॉग बनाना, क्योंकि मैं सुबह से मूड बना रही हूँ कि अब शूट करूँ। तो फाइनली मैंने शुरू किया। मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और उसे लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ आज मैं, बस जो मैं सामान फॉरएवर 21 से लाई थी अंकिता के लिए, हम दोनों लाए थे, उसको शूट करूंगी। अंकिता तो काम पे है तो मैं ही करूंगी, और कौन करेगा। सो यस, और ये मेरा पहली बार है कि मैं ये शूट करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा वाला व्लॉग नहीं बनाया है अभी तक। तो देखते हैं कैसा करती हूँ, पर उससे पहले मुझे करनी है घर की सफाई। मेरा घर मुझे क्लीन करना है। देखिए मेरा घर कैसा है। मैंने अभी इसको सेट किया है, ये मेरी साइड टेबल है, और इसको क्लीन करने के बाद ये गंदगी निकलेगी, उसको मैं निकालूंगी, साफ करूंगी, और उसके बाद कुकिंग वगैरह। ये जो उनकी तकब से कपड़े ला के रखी, इसकी ही मेरे को व्लॉगिंग करनी है, और फिर मेरे को दाल बनाना है, मैं दाल बनाऊंगी और फिर आपके साथ शूट करूँगी। और अभी तो मैं खुद सोई लग रही हूँ, इतनी देर से सोई नहीं थी, बट अभी मैंने नहाया नहीं है, जाती हूँ नहा के, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। मुझे मेरे लिए दाल बनानी है, मैं खुद दाल नहीं खानी है, पर चिकन खा के भी थक गए हैं। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल तो मेरे भाई, कि मैं अब इसका क्या करूंगी, शायद दाल ही खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझको हल्का मलका खाना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं दाल कैसे बना रही हूँ, क्योंकि ये कुकिंग का चैनल नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, मैं अपनी व्यथा सुना रही हूँ आपको, कि ऑल द टाइम मेरे को दाल खाना नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, फीलिंग लेजी। पर थोड़ी देर का है, अब भी उठते हैं, नहा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैंने नहाई धोई खाई पी, और उसके बाद मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए अपना व्लॉग बनाने के लिए, ये। हाँ जी, मैं नहाई धोई खाई पी, उसके बाद मैं तैयार हो गई, और मैंने खाना भी खाया, और अब मैं तैयार हूँ आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या ला, मैंने मुझे नहीं पता भी इसमें क्या क्या है। मैं थी साथ में, चूज मुझसे पूछ के क्या है अंकू ने, लेकिन मुझे अभी इतने दिन हो गए, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया रखा हुआ, तो मेरे को याद ही नहीं उसमें क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं, मुझे अभी एक्साइटमेंट है कि क्या क्या लिया था हमने, तो चलिए देखते हैं। तो इसे दिखाने के लिए मुझे नीचे ऐसा बैठना पड़ेगा, मेरे बाल भी गड़ गए। हाँ जी, चलिए मुझे आज चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ देखना पड़ेगा, और लिखने पढ़ने के लिए मुझे चश्मा चाहिए, दूर से देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर एवर 21। इसमें है प्यारा सा कलरफुल स्वेटर, जो आपको पूरा नहीं दिख रहा, वेट कैसा है, अच्छा है। ये है अंकू के लिए। सेकंड चीज है, मुझे थोड़ा दूर करना चाहिए, नहीं ठीक है। दूसरा भी स्वेटर, ये व्हाट शी से, इट्स फॉर टाटा 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 टिंग टिंग टिंग, और सॉफ्ट बहुत है। हाँ, पर मेरे को स्वेटर पहनना अच्छा नहीं लगता है,
तो ये दूसरा हो गया, मुझे रखना। अंकिता जैसी घड़ी मैं नहीं कर सकती, अंकिता इज टू गुड। इसको मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं सही घड़ी नहीं करूंगी, ये एक ड्रेस है, इसको अगर मैं सही घड़ी नहीं करूंगी तो गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा हो जाएगी मतलब मैं उसके जैसे घड़ी नहीं कर सकती, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंकिता कपड़े बहुत अच्छे घड़ी करती है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। वो वैसे बोलेगी नहीं कुछ, पर इतना जरूर बोलेगी कि मम्मी कैसा घड़ी किया है, इसमें सर आ गए। तो वो मुझे नहीं सुनना है, मैं क्यों सुनू। फिर दूसरा बैग भी हमारा फॉरएवर 21 का है, उसमें क्या, उसमें भी स्वेटर, स्वेटर ही स्वेटर। ये इस टाइप का स्वेटर है, स्वेटर नहीं बोलेंगे इसको, पता नहीं वो कुछ और ही बोलती होगी, मुझे नहीं पता। एक मिनट पढ़ूं क्या है, कार्डिगन, कार्डिगन है, कार्डिगन। ओके सो ये तीन मैंने कार्डिगन दिखा है, और भी कुछ है कि नोप। कितने के आए थे भैया, वो ही जाने, उसका हिसाब किताब। खोलने का क्यों है। फिर हम गए थे यहाँ बाथ बॉडी एंड वर्क्स, वहां से हमने क्या लिया था, ओ ये फ्रेग्रेंस है, खुशबू है घर के लिए और गाड़ी के लिए, ये दो लिया और एक गाड़ी में लगी है ऑलरेडी। सो ये दो ली थी हूँ, और ये क्या है, अच्छा ये अभी तक घर में लगाया नहीं है, पूछूंगी अंकिता कब लगाएगी भाई, मेरे को तो बोला था उसने लगा रही हूँ, पर बच्चे के पास टाइम भी नहीं है। ओके पर्पस चलाइए, क्या होता है कई बार उसको भी वीडियो बनानी होती है, तो मुझे नहीं पता होता है कि क्या करना कैसे करना, तो मैं उसकी चीज छूती नहीं हूँ अंटिल वो उस चीज के लिए, उसके बाद एक वंस वो यूज कर लेती है तो फिर मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी वो मेरी चीज नहीं छूती जब तक मैं नहीं बोलूं। इसके बाद आता है, गए थे हम H&M, जहां से हमको लाई ये H&M से लिया था, नो ये कुछ और रखा है, उसको रहने देते हैं। ये भी पुराना कुछ शॉप किया हुआ है। ये मेरी शर्ट ली थी, ये मैंने एक ही शर्ट ली, मेरे को हर बार बदलना पड़ता है, ये मैं इसको पहनेगी। मेरे को बहुत पसंद आई थी ढीली ढाली, एक्चुअली ना मेरे को ढीली ढाली पसंद आती है। अंकिता इज द पर्सन ऑफ, इसको भी मैं नहीं खोलूंगी। ये इसका है ट्रैक सूट, पर्पल कलर, पर्पल ये, सो शी गोना हैव इट। उसकी घड़ी मैं नहीं खोलूंगी, बिकॉज मुझे नहीं आती उसकी जैसी घड़ी। फिर वो जाने उसका काम जाने। और ये लिए उसने, डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो पहनेगी, ठंडी आ रही ना, इसलिए इस करके लिए उसने। और ये क्या है, ये भी कुछ है, ये भी कोई टी शर्ट है 2XL। तो इस तरह से हमने की शॉपिंग, और आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही। एक मिनट में इसका प्राइस बताती चलती हूँ आपको, ये है 2499 का, और ये वाला ये भी 2499, महंगा है पर है, उसको पसंद है तो क्या करेगा, है ना। और ये स्कर्ट है, ये पुराना कहीं का रखा हुआ है, मतलब पहले हमने शॉपिंग की थी। हाँ वैसे बता देती हूँ मैं आपको, ये हम टारगेट से लाए थे, इसका इसको करनी है फोटो सेशन, तो ये है। इसकी तो घड़ी बिगड़ी हुई थी तो वो मुझे कुछ बोल नहीं सकती। और ये कितने का है, दिस इज 2799 दिस कार्डिगन। मेरे को घड़ी करते नहीं आए, मैं उसके जैसी करूँ फटा, वो इतनी फटाक से करती है घड़ी, वो इतनी मस्त करती है। ये फॉरएवर 21 का है,
चलो ये कितने का है ये? ओह ये तो महंगा, 34.99 और ये है 39.99। तो यस, तो होप आपको अंकु की चॉइस पसंद आई होगी, हमारी चीजें पसंद आई होंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप उसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यस, अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी, व्लॉग में मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अजीब, अजीब नहीं, अगले वीडियो में फिर आऊंगी कुछ करके, घर के काम। मेरे को डेली व्लॉग शुरू करना है, पर नॉट राइट नाउ, और लेटर करूंगी। अभी भी लोग बोलेंगे पुरुष में बीमारी रहती है। तो चलिए मिलते हैं, बाय। तो आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं, बाय बाय बाय। अंकिता बोलती है मैं बाय बहुत जल्दी कर देती हूँ, तो बाय को देर तक करने के लिए मैं क्या करूँ प्लीज बताएं। मतलब बाय तो बाय ही होगा ना, उनको बोलती बहुत जल्दी कर लेते हो, तो मैं बोल बाय बाय। ओके, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे रीमा.विनी7 पे। मिलते हैं, बाय बाय।